हमारा ही मुद्दा देख लीजिए, निषादों का आरक्षण माननीय योगी जी बहुत बार उठाते रहे सदन में जब वो सांसद थे, लेकिन सदन में उठाते रहे कि निषाद जो है आरक्षण के हकदार हैं, और उसमें इनको भी संगीति हुई जब विपक्ष में थी, लेकिन पक्ष में आने के बाद इस पर चर्चा नहीं होना, एक उदासीनता आती है तो लोगों को इच्छा महसूस होती है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर अनुप्रिया पटेल के बाद अब संजय निषाद ने बीजेपी को दिखाई आंख, आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। देश की राजनीति में आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर हमेशा से राजनीति होती आई है। चुनाव में तो आरक्षण के मुद्दे को लेकर ही तमाम दल चुनाव लड़ते हैं। लोकसभा चुनाव में भी आरक्षण एक बड़ा मुद्दा रहा, इसको लेकर विपक्ष ने बीजेपी को जमकर घेरा, और जिस तरह से तमाम बीजेपी नेताओं की तरफ से संविधान और आरक्षण को लेकर जो बयान सामने आ रहे थे ना, कभी कोई संविधान में संशोधन की बात कर रहा था तो कभी कोई नेता आरक्षण को खत्म करने जैसी बातें कह रहा था, जिसका विपक्ष ने भरपूर फायदा उठाया और इन दोनों मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए और जनता में ये संदेश गया, खासकर पिछड़ों में, कि अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आई तो वो संविधान में संशोधन करेगी और आरक्षण को खत्म कर देगी। इसी डर का नतीजा रहा कि यूपी में बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत हुई। तो वही अब जब चुनाव खत्म हो गया, एनडीए की सरकार बन चुकी है, तो अब चुनाव बाद फिर से आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ है, और ये घमासान एनडीए के अंदर ही मचा है, आपस में जमकर बवाल हो रहा है। बीजेपी के सहयोगी दलों ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है, आंख दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे फूट पड़ती हुई दिख रही है। पहले आपने देखा था कि किस तरह से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार को आरक्षण को लेकर एक पत्र लिखा था, उस मुद्दे को लेकर जमकर सियासत हुई। वहीं अब प्रदेश सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी बीजेपी को आंख दिखाई है, आरक्षण के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार को जमकर घेरा है। बता दें कि संजय निषाद का कहना है कि जब योगी जी सांसद थे तब वह सदन में मुद्दा उठाते थे निषाद समाज को आरक्षण दिया जाए, कहते थे कि निषाद आरक्षण के हकदार हैं, मगर सरकार में आने पर इस पर चर्चा भी नहीं हुई, ऐसे में लोगों को निराशा महसूस होती है। इसका मतलब तो यही है कि संजय निषाद ये कहना चाह रहे हैं कि जब वो सरकार में नहीं थे, जब वो सांसद थे, तो वो निषाद समाज की आरक्षण की बात करते थे, लेकिन सरकार आई तो वो पलट गए, शायद उनका यही कहना होगा। वहीं संजय निषाद ने कहा कि उनके समाज में उदासीनता है, समाज के लोगों ने साल 2019 और 22 में खूब वोट दिया, मगर साल 2024 में समाज के कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया, उन्होंने आरक्षण के मुद्दे को लेकर इस बार वोट नहीं दिया। संजय निषाद ने कहा कि अब इस मुद्दे पर उनके कार्यकर्ता और समाज उनको घेर रहे हैं और बीजेपी को भी घेर रहे हैं। निषाद आरक्षण का मुद्दा उठा रहा है, ऐसे में अब हमारे लोग जमा हो रहे हैं, आने वाले दो दिनों तक इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा की जाएगी। संजय निषाद ने कहा कि चुनावों में समाजवादी पार्टी आरक्षण का भय दिखाकर 37 सीटें जीती है, आरक्षण के मुद्दे पर ही सपा को लाभ मिला, अगर आरक्षण को लेकर विसंगति दूर नहीं की गई तो सही नहीं रहेगा, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि आरक्षण के मुद्दे को जिस सरकार ने सही से हैंडल नहीं किया उसे नुकसान उठाना पड़ा, इशारा साफ है। क्या कुछ कहा है संजय निषाद ने, जरा आप भी सुनिए। देखिए, वो किन परिस्थितियों में पत्र लिखा उसका जवाब वही दे सकती है, लेकिन बेशक इस आरक्षण के उलझन में कांग्रेस खत्म हो गई, इस आरक्षण के जद में बसपा भी चली गई, उन्होंने अपनी संख्या से ज्यादा किया, और सपा भी चली गई, तो आरक्षण एक विसंगति दूर करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, जो संविधान में मिला हुआ हक है, लोगों को कैसे मिला, अगर कोई सवाल उठता है तो उस पर विचार होना चाहिए, विचार करके अगर कहीं कुछ कमियां उसे दूर हो जाए, मेरा मतलब यही मानना है और कुछ नहीं, और पत्र बल्कि चर्चा पर होना चाहिए, और चर्चा करके चर्चा पर ढेर सारे मुद्दे हल हो जाते हैं, चूँकि जब सरकार के अंदर होते हैं तो चर्चा से ढेर सारी समस्याओं का समाधान सिस्टम से हो जाता, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर कैसे ये सब हो रहा है। निश्चित रूप से संख्या के आधार पर देखा जाए तो सबको निषादों के आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हम कर रहे हैं और आगे हमको लगता है कि जल्दी होगी। तो आरक्षण नहीं दिया, उनका हाल बहुत अच्छा नहीं रहा, जनता ने उनको इसका जवाब दिया है। देखिए, आरक्षण के साथ भेदभाव किया दिया
कुछ अपने लोगों को दे दिया, कभी बांट दिया, कभी रोक दिया, तो ये चलता रहा। निषादों को आरक्षण रोक दिया कांग्रेस को, निषाद उनसे दूर हुए। सपा बसपा ने निषादों का आरक्षण रोक दिया, उसे दूर हो। तो आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है कि जो एक शोषित वंचित या उपेक्षित समुदाय है उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और हम तो चाहते हैं कि इस मुद्दे पर विशेष रूप से पहल होनी चाहिए कि संविधान में मिला हुआ हक जो है, अगर कोई विसंगति है तो उसे सदन में लाकर उसे दूर किया जाए, आसान तरीके से इनको दिया जाए, इस पर कोई राजनीति ना हो। कहना नहीं किया तो लोग उनसे अलग हो सकते हैं। अब हमारा ही मुद्दा देख लीजिए, निषादों का आरक्षण माननीय योगी जी बहुत बार उठाते रहे सदन में जब वो सांसद थे, लेकिन सदन में उठाते रहे कि निषाद जो है आरक्षण के हकदार हैं, और उसमें इनको भी संगीति हुई जब विपक्ष में थी, लेकिन पक्ष में आने के बाद इस पर चर्चा न होना, एक उदासीनता आती है तो लोगों को उपेक्षा महसूस होती है कि हमें तब कहा गया और आप उपेक्षा महसूस हो रही है। तो ऐसे में भी निषाद जिस जोश खरोश के साथ पहले 2019-2022 में उठ दिया, 2024 में उदासीन रहा, नहीं कुछ लोगों ने इस आरक्षण के मुद्दे पर नहीं, चर्चा होनी चाहिए और चर्चा होकर सही पहल होना चाहिए, और जो कुछ उसमें 19-20 से करके इसे मुद्दे को हल कर देना चाहिए। आने वाले वक्त में क्या निषाद पार्टी भी अपना ऐसे ही पत्र लिखेगी या ओपन लेटर लिखेगी कि आरक्षण की या जहाँ पे गड़बड़ियाँ हो रही हैं उस पर सरकार ध्यान दे, क्योंकि अनुप्रिया पटेल ने तो सीधे गड़बड़ी का आरोप लगाया है कि गड़बड़ी करी जा रही है, परीक्षाओं में जगह नहीं दी जा रही, पिछड़े वर्ग के और अनुसूचित जनजाति के साथ सीधा सीधा भेदभाव हो रहा है। नहीं, हम तो उससे भी आगे की बात है, हम तो बार बार मिल रहे हैं सबसे, माननीय योगी से मिलते हैं, कहते हैं केंद्र में मिलिए, केंद्र में मिलते हैं कहते हैं ठीक है इस पर चर्चा होगी। हम तो न पिछड़े में हैं न तो अनुसूचित में हैं, ये कहाँ रहेंगे देश को क्रिमिनल ट्राइब, हम तो 8 जगह नाम लिखा है क्रिमिनल ट्राइब्स इंक्वायरी, मतलब हमें विमुक्ति जनजाति में, विमुक्ति जाति में, पिछड़ी में, अनुसूचित में, अनुसूचित कहाँ कहाँ, मतलब हम जब और 14 राज्यों में मिल रहा है तो केंद्र खैर मझवार हुआ और मझवार परिभाषित होना चाहिए, माझी प्रभाषित होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जब 7 नामों से अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं, तो जब हम 61 में 70 लाख थे बाद में हमें 7,000 कर दिया गया तो छोटा मुद्दा तो है नहीं, बड़ा मुद्दा है, तो इस पर चर्चा होकर काम हो जानी चाहिए। तो इस पर मैं फिर हमारे लोग इकट्ठे हुए हैं आज 2 दिन इसी मुद्दे पर, प्रदेश भर से लोग आए हैं, हमारे कार्यकर्ता समाज अब घेर रहा है, तो उसको अब हम अपनी आवाज़ को सदन में नाराजगी कैसे दूर करेंगे, क्योंकि सरकार से अभी आप कह रहे हैं आपको कोई ऐसा आश्वासन ही मिला है लेकिन कोई काम नहीं हुआ अनुप्रिया पटेल उसकी तरफ से, तो क्या आने वाले जो चुनाव है उसमें क्या एनडीए से अलग हटके भी चुनाव की भाई हम की तो संभावना पे देखा जा सकता है संजय निषाद को? देखिए, हम तो अपने मुद्दे को, निषादों के मुद्दे को, क्योंकि हमको उन्होंने जिम्मेदारी दी है कि संविधान में जिस तरीके से कांसी राम ने उनको हिस्सा दिलाया, माननीय मुलायम सिंह ने दिलाया, तो उस तरीके से हमारे समुदाय ने हमारे ऊपर भरोसा जताया, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी लड़ाई लड़े, संघर्ष करें जब तक उन्हें ये हक न मिला। एक तो हमारे लिए तो स्पेशल रिजर्वेशन की बात की गई है जो है संथा समय अंगार कमेटी 1949, तो हमें तो स्पेशल भी नहीं मिला, जो मिला वो भी छीन के दूसरे लोग खा, तो क्या हमारा हिस्सा लेदरमैन खाए तो उन्हें अच्छा लगेगा? जो भाई सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है 66 समूहों का हिस्सा केवल लेदरमैन पर जा रहा है, 23% का हिस्सा मिल्कमैन पर जा रहा है, तो हम तो अनुप्रिया जी से एक उम्मीद रखूंगा कि जो 27% का आरक्षण है, पहले उस 27% में जितनी जातियां हैं उनके हिसाब से उसको दिया जाए, और जो अत पिछड़ी जातियाँ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो SC में नोटिफिकेशन राष्ट्रपति ने किया था उन्हें OBC में डाल दिया, तो OBC का कोटा हटाकर उसे SC में मिला दिया जाए, SC का कोटा बढ़ा दिया जाए, संवैधानिक रूप से जो होता उसका भी समर्थन उनसे चाहता हूँ। तो सुना आपने किस तरह से नाराजगी जाहिर की है संजय निषाद ने, उन्होंने ये साफ कहा कि जब योगी जी सांसद थे तो इस पर बात करते थे लेकिन सरकार बनते ही बात होना बंद हो गई है। एक बात और जो उन्होंने कही कि जिसने इस मुद्दे को सही से हैंडल नहीं किया उसको नुकसान उठाना पड़ा है। वही आपको बता दें कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इस मुद्दे को उठाया था जिस पर अब जमकर सियासत हो रही है, और अनुप्रिया पटेल के बाद ही संजय निषाद का मुंह खुला है। बता दें कि अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार को एक पत्र लिखा था, उस पत्र में अनुप्रिया पटेल ने लिखा था कि प्रदेश सरकार की साक्षात्कार वाली नियुक्तियों में OBC अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को यह कहकर छांट दिया जा रहा है कि वह योग्य नहीं है। अपने लिखे पत्र में अनुप्रिया पटेल ने साफ लिखा था नॉट फाउंड सुटेबल कहकर नियुक्तियों से SC ST OBC को रोका जा रहा है, बाद में इन पदों को अनारक्षित घोषित कर दिया जा रहा है, ऐसे में सरकार इस पर गंभीरता से ध्यान दे और अहम कदम उठाए। अनुप्रिया के इस रुख से
कई तरह के सवाल उठे, योगी सरकार की तरफ से उनको झटका भी मिला, जमकर इस पर सियासत भी हुई। वहीं योगी सरकार ने यूपी लोक सेवा आयोग के जरिए अनुप्रिया पटेल को जवाब भी दिया। योगी सरकार ने अनुप्रिया पटेल के आरोपों को नकार दिया है। बता दें कि अनुप्रिया पटेल ने 27 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी थी, तो वहीं यूपी लोक सेवा आयोग ने भी सरकार को जवाब देते हुए स्थिति स्पष्ट की थी। यूपी पीएससी ने कहा था कि आरक्षित पद कभी अनारक्षित नहीं हो सकते हैं। आयोग ने कहा था कि आरक्षित पद कैरी फॉरवर्ड की श्रेणी में आते हैं, उन्हें परिवर्तित करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो अब आरक्षण को लेकर जमकर घमासान एनडीए में मचा है, जिससे बीजेपी अपने ही सहयोगी दलों के जाल में फंस रही है। सोशल मीडिया पर भी घमासान देखने को मिल रहा है, लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अतुल नाम का यूजर लिखते हैं कि अनुप्रिया पटेल के बाद संजय निषाद ने भी दिया बयान, आरक्षण मुद्दे को लेकर मंत्री संजय निषाद की नाराजगी सामने आई। इसी तरह सभी ओबीसी एससी एसटी नेताओं को आगे बढ़कर आवाज उठाना चाहिए। वही अभिषेक सिंह नाम के यूजर लिखते हैं कि अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद ने योगी आदित्यनाथ पर हमला शुरू कर दिया है, ओम प्रकाश राजभर भी ऐसा ही कर रहे होते अगर उनके विधायक का नाम पेपर लीक में ना आया होता। दिल्ली ने लखनऊ को काबू में रखने का प्लान बनाया है, देखना होगा कि मुख्यमंत्री कैसे इससे निपटते हैं। तो आरक्षण को लेकर एनडीए में जबरदस्त तरीके से घमासान देखने को मिल रहा है और इससे कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई दिख रही है। इस रिपोर्ट में इतना है, अभी 4 PM।